सलाम अलैकुम। खुदा करे के मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे के मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। रिस्पेक्टेड चेयरमैन, सीईओ, ऑनरेबल चीफ गेस्ट, टीचर्स एंड माय फेलो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। टुडे वी असेंबल्ड टू मार्क 77th एनिवर्सरी ऑफ आर पाकिस्तान। एज यूजुअल वी विल स्टार्ट आवर प्रोग्राम विद द रेसिटेशन ऑफ होली कुरान। हसानुर रहमान फ्रॉम क्लास 9th विल हैव द ऑनर। हिना फयाज एंड एहसन इमरान विल प्रेजेंट इंग्लिश एंड उर्दू ट्रांसलेशन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Indeed, Allah commands justice, good conduct and giving to relatives and forbids immorality, bad conduct and oppression. Allah admonishes you so that you may be mindful. Shuru Allah ke naam se jo bada meherban nihayat rehm farmane wala hai. Beshak Allah taala azl bhalai और कराबतदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म फरमाता है और बेहयाई के कामों, नाशायस्ता हरकतों और जुल्मों ज़्यादती से रोकता है। वो तुम्हें नसीहतें फरमाता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अब्दुल हादी, नूर फातमा, दारेब शबीर, उर्वा शाहिद एंड अबू बकर ऑफ क्लास 5th एंड 6th प्रेजेंट अ हमदे बारी ताला। I'm not afraid of the dark.
उमर इमरान रेहान मकसूद जकाउर रहमान कुरुतुलैन जरूफ अब्बास असका मुबीन समरा इमरान नवेरिया इमरान मीरब एंड जैनब तारी। आलपाक के लिए वाजिबुल एहतराम महतरमा सीईओ साहिबा महतरम आली मुकाम जनाब चेयरमैन साहब काबिले ताज़ीम उस्तादाए कराम और मेरे साथियों अस्सलामु अलैकुम। 13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। 14 अगस्त 1947 ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। आपको पाकिस्तान मुबारक हो। तलुए सुबह आज़ादी मुस्तफ़ा अली हमदानी की ज़ुबानी 13 और 14 अगस्त के दरमियानी शब रेडियो पाकिस्तान लाहौर से ऐलान आज़ादी की नवीद सुनाई गई तो मुल्क के कोने कोने में जज्बों और हौसलों का सैले रवा उमड़ आया। ये वो अल्फाज थे जिनके अदा होते ही करोड़ों लब कलमा कुशा हो गए, लाखों जमीने सजदरेज हो गई, हजारों हाथ दुआओं के लिए बुलंद हो गए, फिजाए अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से मुअत्तर हो रही थी। ये था वो वक्त जब अल्लाह पाक ने हमें वतन अजीज पाक सरजमीन अता की। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। मोहतरमा सीईओ साहिबा, आज की तकरीब का मौजू यौम आज़ादी, ये लफ्ज जुबान से अदा होते ही तहरीक पाकिस्तान के वलवला अंगेज दौर की याद ताज़ा हो जाती है। खुशियों के गुलाम महकने लगते हैं
यादों का काफिला सफर करने लगता है और फिर वो जमाना तसव्वुर में उभरने लगता है कि जब बड़े सगीर के मुसलमान अपने अज़्म व हौसले से अपने मुस्तकबिल की इमारत यानी पाकिस्तान तामीर कर रहे थे। वतन से मोहब्बत एक ऐसा जज्बाती तसव्वुर है जो हमारी बसीरत और बसारत दोनों को खीरा करता है। ये वो उजाला है जो इंसानी लहू को मुनक्किस करता है। ये वो गीत है जो रग़-ए-जां से सुर चाहता है। तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की, तेरा शबाब अमानत है सारी दुनिया की, तू खार जारे जहां में गुलाब पैदा कर। मौजूद उस्ताद-ए कराम, यौम आज़ादी के इस पर मसरत मौका पर हम आज अपने प्यारे पाकिस्तान की 77वीं सालगिरह मना रहे हैं। वो पाकिस्तान जहां आसमान की रिफतों को चूमते पहाड़ हैं, दिलों का मौन करती गुलपोश वादियां हैं, नजर को खीरा करने वाले मरगजार हैं, गर्ज के तमाम नेमतों से मालामाल ये पाक सरजमीन है। तहरीक आज़ादी और इसका तारीखी पस मंज़र तो हर पाकिस्तानी तालिब इल्म को रोज़ रोशन की तरह आया है। वतन से मोहब्बत तो हमारी पहली दरसगाह माँ की गोद से ही हमारे दिलों और दिमागों का महफ़र मरकज रही है, जो असल से शीर अव्वल की तरह हमारी रगों में खून की मानिद महवे गर्दिश है। उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों में खुदी सूरत फौलाद। मोहतरम चेयरमैन साहब, 14 अगस्त महज झंडे लगाने झंडियाँ लहराने वतन की लफ्जी मोहब्बत से सरशार गीत और नहमे गुनगुनाने का दिन नहीं है, बल्कि ये तजदीद वफा का दिन है जिस दिन हमें एक अच्छे तालिब इल्म की तरह वतन से मोहब्बत का अमली नमूना पेश करने वाले इकदामात के मुतल्लिक सोचना होगा। वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली के लिए एक बेहतरीन तालिब इल्म की तरह जिम्मेदार और आज़ाद खुद मुख्तार रवैये के साथ अपने मुस्तकबिल को रोशन करना होगा। नौजवान तलबा ही सरमाए काम मिल्लत है जो वतन की अजमत हुरमत के रखवाले और इसके ताबनाक कल के अमीन है। मेरे साथियों, आए हम सब मिलकर आज अपनी जात, अपने घर, अपने इदारे, अपने शहर, अपने मुल्क और फिर पूरी दुनिया में वतन अजीज की तरक्की, खुशहाली, कामयाबी, इज्जत, हुरमत और सालमियत के लिए तन मन धन की बाजी लगाने का अज़म करें। तलबा ही मुल्क की असली और कीमती दौलत होते हैं। यही वतन से मोहब्बत का तकाजा और यौम आज़ादी मनाने की हकीकी रूह भी है। इंशाअल्लाह जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहे गिरफ्तार वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी जरा एड़ियाँ रगड़ने दे, हमें यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। अजीज जहां बेगम ट्रस्ट पाइंदाबाद। थैंक यू।
of Pakistan's independence. On this day, in 1947, our ancestors achieved the dream of a separate homeland, free from colonial rule, and united in their quest for a brighter future. Mr. President, we pay tribute to the will and courage of our founding father, Vardhajan Mohammad Ali Jinnah, and the countless heroes who fought tirelessly for our freedom. Their sacrifices and determination have given us a homeland where we can live with dignity, practice our faith, and speak our languages without fear of persecution. Dear all, as we celebrate our independence, we also acknowledge the challenges we have faced and continue to overcome. We recognize the struggles of our ancestors who built this nation from scratch and the resilience of our people who have faced adversity with courage and determination. My dear fellows, as students, it is our duty to work hard with honesty and determination to make our nation great and practice the principles of equality, justice, and fair play. We should honor the diversity that makes us strong and the unity that binds us together. Let's celebrate this day with pride, remembering the sacrifices of our past, achievements of our present, and the dreams of our future. Long live Pakistan! Wish you all a very happy Independence Day. Thank you. Jan Watan Jan Watan, Kule Pakistan Watan, Kulwat Us Parle Watan, Mughla Ka Dazan Watan, Jan Watan Jan Watan, Kule Pakistan Watan. Tamida Azmat Nishan, Tamida Ghairat Nishan, Tamida Iman Nakhat, Da Muhabbat Nishan, Tamida Muhabbat Nishan, Tamida Azmat Nishan, Tamida Ghairat Nishan, Tamida Iman Nakhat, Da Muhabbat Nishan, Yaqub Yaqub Watan, Marjan Marjan Watan, Jan Watan Janan Watan, Kulle Pakistan. Jaan Watan Jaan Watan, Kulle Pakistan Watan. Jaan Watan Jaan Watan, Kulle Pakistan Watan. Kulwat Us Parle Watan, Mughla Ka Dazan Watan. Jaan Watan Jaan Watan, Kulle Pakistan Watan. Sasima Awar Kulle, Sa Chinar Raktan Kulle, Landai Basda Si Chisa Yaulagan Kulle. Jaan Watan Jaan Watan, Kulle Pakistan Watan. Jaan Watan Jaan Watan, Kulle Pakistan Watan. Kulwat Us Parle Watan, Mughla Ka Dazan Watan. Jaan Watan Jaan Watan, Kulle Pakistan Watan. Kaja Aman Kur Watan, Kaja Ki Khur Watan. Tamid Baba Shimla Te Zamadam. Aman Kul Watan, Dar Jahan Ki Kul Watan, Tamit Baba Shimla Te Zama Damo Watan, Te Zama Jizr Adam, Te Zama Arman Watan, Jaan Watan Jaanan Watan, Kulle Pakistan Watan. Jaan Watan Jaanan Watan, Kulle Pakistan Watan. Jaan Watan Jaanan Watan, Kulle Pakistan Watan. Kulwat Us Parle Watan, Mughla Ka Dazan Watan. Jaan Watan Jaan Watan, thank you very much Chairman Kamran Sahib, CEO Sahib. आज आपके बच्चों की परफॉर्मेंस देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और एक एक बच्चे ने बहुत अच्छा
पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और ज़ाती तौर पर ये जो फर्स्ट रो में जो बच्चा बैठा हुआ है जिन्होंने स्पीच की है, मैं यहाँ पे आज प्रेडिक्ट करके जा रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में ही विल बी द बेस्ट शाइनिंग स्टार ऑफ एजेबी ट्रस्ट। आई डोंट नो हिज नेम, मेरे बच्चे का नाम क्या, अब्दुल्ला को हमने यहाँ बैठे बैठे आई हैव डिसाइडेड कि हमारे प्रोजेक्ट खुदी में जिस वक्त भी हमने कोई एक इवेंट किया तो हम इनकी वालदा से रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ की जो ओपनिंग स्पीच होगी वो हम इंशाल्लाह अब्दुल्ला से करवाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस, खुदी की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। Request our chairman Mia Kamran Afzal to come and say few words about 14th August, our Independence Day. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Our honorable guest Amir Saab, Haji Shafi Saab, the CEO, Mrs. Jaddi, teachers, students, thank you for having me over to celebrate the 77th Independence Day of Pakistan today. And after the brilliant speeches given by some of the students, I really don't have much to add, except that today reminds me of the tremendous sacrifices given by our forefathers, jisme lakhon logon ne apni jaane di hamare liye Pakistan banane ke liye. और एक मुल्क हमें मिला जिसमें हम अपने फेथ को, अपनी रिलीजन को, अपनी वे ऑफ लाइफ को प्रिजर्व करें और इंडिपेंडेंटली इस मुल्क में बसें, तो उनका हम कभी भी इतना शुक्रिया अदा नहीं कर सकते जो उन्होंने हमारे लिए किया। और पूरी पूरी फैमिलीज उजड़ गई और उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया। तो कीप इन दैट इन माइंड, इट इज़ नाउ इनकम्बेंट ऑन अस, हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी जो ड्रीम्स थी या उनका जो विजन था या वो जो चाहते थे पाकिस्तान क्या हो, उसको हम किसी तरह उसकी तकमील की तरफ मेहनत करें और कोशिश करें। आई विल हैव टू एडमिट काफ़ी अभी सफ़र तय करना बाकी है, क्योंकि जो उन्होंने हमें आइडियल स्टेट का तसव्वुर दिया था अभी हम उससे काफ़ी दूर हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं देखता हूँ इंडिविजुअली ऑन द माइक्रो लेवल जो हमारे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और अपने मुल्क में भी हैं, ब्रिलियंट बॉयज़ एंड गर्ल्स जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड्स में इतनी नुमाया कामयाबियाँ अता की हैं, अचीव की हैं, तो वो दैट मीन्स के द पोटेंशियल इज़ देयर। मैं सम ऑफ यू नो आई ट्रैवल अलॉट इन पाकिस्तान इवन इन द नॉर्दर्न एरियाज, और मैं जब अपने मुल्क में द ब्यूटी एंड द नेचुरल ब्यूटी एंड द रिसोर्सेज को ऑब्जर्व करता हूँ कि अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी हुई है जो एक जियोग्राफिकल एंटिटी में ज़रूरत पड़ सकती है एक मुल्क की तरक्की के लिए। हमने सिर्फ अपनी मेहनत, अपनी मैनेजेरियल स्किल्स को इम्प्रूव करके उसको प्रोडक्टिव करना है ताकि उसका बेनिफिट हमारी आवाम तक पहुँचे और हमारे लोग उसका फ़ायदा उठा सकें और दुनिया भी उसको आके देखे कि हम हमारे में पोटेंशियल कितना है। उसके लिए ऑब्वियसली अभी काफ़ी सफ़र तय करना है, लेकिन द स्ट्रगल शुड कंटिन्यू। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो परफॉर्म कर भी रहे हैं, और वैसे भी अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे 9th क्लास के स्टूडेंट्स ने भी बड़ा अच्छा रिजल्ट किया है। तो यू आर पार्ट ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी के पूरे मुल्क में, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अगर आप अपनी दिल लगा के मेहनत करेंगे और पूरी जाफिशानी के साथ जो जो आपका काम है, जिस स्टेज पे भी आप हो अपनी एजुकेशन के, उस पर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। आपके जो सीनियर स्टूडेंट्स चले गए उनने प्रूव भी किया कि डिस्पाइट वट एवर हैंडीकैप एनी बॉडी हैज़, इवन साइटेड पीपल हैव हैंडीकैप्स, तो इसलिए वो कोई हिंडर्स नहीं होनी चाहिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मेहनत करें और दिल लगा से मेहनत करें और इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। थैंक यू सो मच।
थैंक यू मियां कामरान अफजल, प्लीज स्टैंड फॉर नेशनल एंथम।